हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि रॉयल रंबल पेपर व्यू से सभी लोग काफी ज्यादा डिसअपॉइंट है, स्पेशली मेंस रॉयल रंबल मैच से, क्योंकि वहां पर हमें कोई भी बड़ा सरप्राइज देखने को नहीं मिला। लेकिन मेन इवेंट में जो भी हमें सीन देखने को मिला वो फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि सैमी ज़ेन ऑफिशियली हो चुके हैं ब्लड लाइन के बाहर एंड सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस की जगह रोमन रेंस पर ही कर दिया अटैक। बट आप सब यही सोच रहे होंगे, रॉक जब रॉयल रंबल में नहीं आए तब रॉक वर्सेज रोमन रेंस के होने के पॉसिबिलिटी पूरी तरह से हो चुके खत्म? तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रॉयल रंबल के बाद हमें काफी कुछ बड़ा पता चलते हुए दिखा एंड आज इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूं बात। एंड रॉयल रंबल के बाद रोमन रेंस ने भी क्या कुछ रिएक्ट किया है उसके बारे में भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं। लेकिन इन सब से भी पहले मैं फटाफट से आप सबको पूरे रॉयल रंबल पेपर व्यू के रिजल्ट्स बता देता हूं। तो हमें शो की स्टार्टिंग ही होते हुए दिखती है एक रिटर्न के साथ, जो कि थी पैट मैकेफी की। मैंने आप सबको बताया था कि पैट मैकेफी के चांसेस है कि वो रॉयल रंबल पेपर व्यू में कमेंट्री करने वाले हैं। देन ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला एंड उन्होंने आकर कोरी ग्रेव्स एंड माइकल कोल को किया ज्वाइन। और उसके बाद हमें शुरू ही होते हुए दिखता है मेंस रॉयल रंबल मैच, और इसी से फैंस को समझ में आ गया था कि ज्यादा कुछ बड़ा नहीं होने वाला, एटलीस्ट रॉक का रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलने वाला। तो रॉयल रंबल की स्टार्टिंग हमें होते हुए दिखती है गुंथर एंड सेमस के साथ, और रॉयल रंबल के कुछ स्पेशल मोमेंट्स के बारे में बात कर ली जाए, देन गुंथर जब डोमिनेट कर रहे थे मैच में तभी हमें देखने को मिलते हैं ब्रॉक लेसनर, वो आकर हमें कन्फ्रंट भी करते हुए दिखते हैं गुंथर को। लेकिन इससे पहले कि ज्यादा कुछ होता वहां पर हमें देखने को मिलते हैं बॉबी लेस्ली, और ब्रॉक लेसनर का ध्यान चले जाता है बॉबी लेस्ली पर। और ब्रॉक लेसनर ने कई सारे एलिमिनेशन तो की, लेकिन ब्रॉक लेसनर को जिस बंदे ने एलिमिनेट किया वो थे बॉबी लेस्ली, यानी कि यहां से ये बात साफ हो चुकी है हमें ब्रॉक वर्सेस बॉबी कंटिन्यू रहते हुए दिखने वाला है। और उसके बाद ब्रॉक लेसनर हमें काफी ज्यादा गुस्से में भी देखने को मिले एंड उन्होंने अपना गुस्सा बैरन कॉर्बिन पर भी उतारा रिंग साइड पर। उसके बाद बुकर टी का हमें एक सरप्राइज एंट्रेंट देखने को मिलता है, वो ज्यादा देर रहे तो नहीं रॉयल रंबल में, वो काफी जल्द एलिमिनेट हो गए। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब हमें रे मिस्टीरियो के एंट्रेंस देखने को मिलने वाली थी, देन उनके मास्क के साथ आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो जो कि मास्क की बेइज्जती करते हैं, और जब जजमेंट डे पूरी की पूरी रिंग में आ जाती है एंड पूरे रॉयल रंबल को वो डोमिनेट करती है, तभी हमें रिटर्न देखने को मिलता है रेड एरर सुपरस्टार एज का, जिन्हें अगेन काफी ज्यादा अच्छा रिएक्शन मिला। उन्होंने आते ही फिन बैलर एंड डैमियन प्रीस्ट को कर दिया एलिमिनेट, और जब एज को जजमेंट डे एलिमिनेट करवा देती है देन जजमेंट डे के पीछे जाते हैं एज, तभी वहां पर हमें रिया रिपली देखने को मिलती है जो कि अटैक करती है एज पर, लेकिन एज का साथ देने के लिए वहां पर आती है बेथ फिनिक्स जो कि अटैक करती है रिया रिपली पर। तो ये एक हमें स्पेशल मोमेंट देखने को मिला रॉयल रंबल मैच में। वहीं सभी को पता था कि कोडी रोड्स का रिटर्न हमें रॉयल रंबल मैच में देखने को मिलने वाला है, तो वो आते हैं नंबर 30 पर। और जहां तक मुझे याद है कि ऐसी अपडेट्स निकल कर आए थे कि कोई भी जीत जाए लेकिन नंबर 30 पर जो बंदा आने वाला है वो कभी रॉयल रंबल मैच नहीं जीतेगा। और कोडी रोड्स हमेशा से बैटिंग ऑड्स में नंबर 1 पर ही चल रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा था कि कोडी रोड्स नहीं जीतेंगे। लेकिन गाइस, ऐसा हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। कोडी रोड्स की मैच में काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली, सेथ रॉलिंस के वो अगेंस्ट भी आए, इनफैक्ट उन्होंने साथ में भी काम किया, यानी कि अब सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स की फ्यूड तो खत्म हो ही चुकी है। एंड यस, लोगन पॉल का भी हमें रिटर्न देखने को मिला, और वो जो कोलाइड किए रिकोशे के साथ एयर में वो एक ओएमजी मूवमेंट था, और लोगन पॉल ने एलिमिनेट किया है सेथ रॉलिंस को। सो लोगन पॉल एंड सेथ रॉलिंस में भी हो सकता है रेसलमेनिया 39 में, लेकिन रॉयल रंबल मैच के एंड में हमें बसते हुए दिखते हैं कोडी रोड्स एंड गुंथर, यानी कि नंबर 1 एंड नंबर 30 पर जो आए थे वो, और ये दोनों काफी टाइम एक साथ बिताते हैं। बट एट द एंड कोडी रोड्स एलिमिनेट कर देते हैं गुंथर को और जीत जाते हैं रॉयल रंबल मैच, यानी कि उन्हें मिलने वाली है रेसलमेनिया 39 में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। सो मिलेगी या फिर नहीं वो तो हम थोड़ी देर में बात करेंगे ही, लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक पिच ब्लैक मैच जो कि काफी फैंस को पसंद आया कुछ को नहीं, एंड यहाँ पर थोड़ी अलग टाइप की चीजें, अलग टाइप की इफेक्ट वगैरह हमें देखने को मिली, ब्रे वाइट के अलग अलग कैरेक्टर देखने को मिले एंड यहाँ पर हमें जीत होते हुए दिखी ब्रे वाइट की। और हाँ, अंकल हॉडी ने भी एले राइट पर अटैक किया, तो अब देखकर लग रहा है कि ब्रे वाइट एंड अंकल हॉडी सेम पेज पर है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच बियंका बेलर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस के बीच। तो यहाँ पर बियंका बेलर ने एलेक्सा ब्लिस को हरा दिया और रिटेन कर ली अपनी चैंपियनशिप मैच के बाद। अगेन अंकल हॉडी वाली टीज हमें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें शुरू होते हुए दिखता है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, और नंबर 1 पर आती है रिया रिपली एंड नंबर 2 पर आती है लिव मॉर्गन। और आप सबको पता ही है यही दोनों बैटिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर चल रही थी। वही मैच में बात कर ली जाए देन मिशेल मैकुल का हमें रिटर्न देखने को मिला, और नाया जैक्स का एक सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला जो कि आई नंबर 30 पर। और आस्का का भी हमें मास्क वाला कैरेक्टर में रिटर्न देखने को मिला, बैकी लिंच को डैमेज कंट्रोल ने एलिमिनेट करवा दिया। सो ओवरऑल वुमेन्स रॉयल रंबल मैच से जैसा फैंस ने एक्सपेक्ट किया था उसने वैसा डिलीवर किया, और एंड में हमें बसते हुए दिखती है रिया रिपली एंड लिव मॉर्गन ही जो कि नंबर 1 एंड नंबर 2 पर आई थी, और रिया रिपली एलिमिनेट कर देती है लिव मॉर्गन को और जीत जाती है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच, यानी कि वो हेडलाइन करने वाली है रेसलमेनिया नाइट 1 को। सो अगेन इस बार वही चीज हुई, मेंस एंड वुमेन्स रॉयल रंबल मैच दोनों के रिजल्ट्स बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग ही निकले, और वो भी वो बैटिंग ऑड्स जो कि भाई पिछले 3-4 महीने से चलते हुए आ रहे। सो इसलिए फैंस थोड़े डिसअपॉइंट है, बट मेन इवेंट में जो भी हुआ
उसने फैंस के गुस्से को थोड़ा शांत किया क्योंकि मेन इवेंट में हमें देखने को मिला अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। देन अगेन ये मैच काफी ज्यादा कमाल का था। यहाँ पर केविन ओवेंस ने स्पियर से भी किकआउट किया, रोमन रेंस ने स्टनर से भी किकआउट किया और एक मोमेंट तो ऐसा आता है कि केविन ओवेंस पॉप अप पावर बॉम्ब लगाकर जीतने वाले थे इस मैच को, लेकिन रेफरी डाउन हो जाता है बिकॉज केविन ओवेंस गलती से कर देते अटैक रेफरी पर, इसलिए काउंट नहीं हो पाता। और उसके बाद क्या ही होना था, रोमन रेंस ने लो ब्लो लगाया और स्पियर लगाकर जीत लिया इस मैच को एंड रिटेन कर ली अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। सो ये मैच तो लोगों को पसंद आया, लेकिन मैच के बाद हमें काफी कुछ होते हुए दिखता है क्योंकि सभी ब्लड लाइन के मेंबर आ जाते हैं रिंग में और सैमी जेन से रोमन रेंस ने चेयर मांगा था केविन ओवेंस पर अटैक करने के लिए। सैमी जेन ने चेयर दे भी दिया, इसलिए उनके लिए ब्लड लाइन हार लेकर आई थी ताकि वो उन्हें पहना पाए, लेकिन रोमन रेंस बोलते अभी थोड़ा रुक जाओ, केविन ओवेंस को और पीटते उसके बाद ऐसा कुछ करेंगे। यानी कि सैमी जेन के सामने वो केविन ओवेंस पर काफी बुरी तरह से अटैक करना चाहते थे और वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। ब्लड लाइन हैंडकफ कर देती है केविन ओवेंस को, उसके बाद उसोस लगातार चेयर से सुपर किक्स सारे कुछ वे में अटैक करने लगते, देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। बट एट द एंड जब रोमन रेंस चेयर से हेड पर अटैक करने जाते केविन ओवेंस को, देन सैमी जेन उन्हें रोक लेते और रोमन रेंस को ऐसा करने से मना करते, लेकिन रोमन रेंस कहते ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम ऐसा करने वाले हो। और फिर सैमी जेन को रोमन रेंस देते हैं चेयर, सैमी जेन काफी ज्यादा सोचते हैं एंड वो एट द एंड अटैक कर देते हैं रोमन रेंस पर ही सेम शील्ड वाले स्टाइल में ही। लेकिन उसके बाद क्या ही हो रहा था, सोलो सिकोवा एंड जिमी यूसो ने काफी बुरी तरह से अटैक किया सैमी जेन पर, लेकिन अभी भी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ क्योंकि जब जे यूसो को बोला जाता अटैक करने के लिए सैमी जेन पर, वो अटैक नहीं करते, वो वहां से चले जाते। यानी कि ना तो वो रोमन रेंस के अगेंस्ट है, ना ही वो अगेंस्ट है सैमी जेन के। सो ये तो थी वो चीजें जो कि हमें रॉयल रंबल पेपर व्यू में देखने को मिले। लेकिन आपको सबसे बेस्ट थिंग कौन सी लगी रॉयल रंबल पेपर व्यू में, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना और आप 5 में से रॉयल रंबल को कितने स्टार देना चाहोगे वो भी जरूर से बताना। लेकिन हाँ, अब बात कर ली जाए अपने रॉयल रंबल के बाद से जुड़ी अपडेट के बारे में। देन सबसे पहले तो हमें रोमन रेंस का रिएक्शन देखने को मिलता है रॉयल रंबल के बाद, जहां पर उन्होंने एक शॉर्ट्स रील टिकटॉक जो भी कहना चाहो वो अपलोड किया और वहां पर वो ये बोल रहे सैमी जेन को कि तुम ब्लड लाइन हो, तुम ब्लड लाइन नहीं हो। यानी कि ये बात रोमन रेंस ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि सैमी जेन पूरी तरह से आउट हो चुके हैं ब्लड लाइन से। एंड जैसे रूमर्स आए थे कि हमें सैमी जेन वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू में, वैसा ही अब कुछ होने वाला। लेकिन अब बात कर ली जाए अपने उस बड़े मैच के बारे में कि क्या अब उसके होने के पॉसिबिलिटी हो चुके खत्म, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस रॉक का रेसलमेनिया 39 का मैच। सो रॉयल रंबल में इसके काफी ज्यादा चांसेस लग रहे थे कि रॉक का रिटर्न होगा, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। तो गाइस इसी चीज पर हमें ट्रिपल एच एड्रेस करते हुए दिखते हैं रॉयल रंबल के बाद हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो ये थिंग बोलते हैं WWE रॉक का घर है, बट अभी हमारे कार्ड में रॉक का कोई भी मैच शामिल नहीं है, लेकिन हम ओपन इनविटेशन देते हैं रॉक को, अगर वो आते हैं देन डेफिनेटली से हमें रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया 39 में। अब गाइस ट्रिपल एच खुद इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं रॉयल रंबल के बाद भी, तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस है कि WWE रॉक के रिटर्न को सरप्राइज रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने रॉक का रिटर्न रॉयल रंबल में नहीं करवाया। और रॉक के रिटर्न के लिए एंगल तो हमें क्रिएट होते हुए दिख ही गया क्योंकि जे उसो पॉसिबली चले गए रोमन रेंस के अगेंस्ट और जब रॉक रिटर्न करेंगे देन जे उसो रहने वाले हैं दी रॉक के साइड। और स्टिल मुझे चांसेस पूरे लग रहे हैं कि रेसलमेनिया 39 से पहले रॉक का रिटर्न आप सबको देखने को मिलने वाला है और रॉक वर्सेस रोमन रेंस ही होने वाला है रेसलमेनिया 39 में। बट हां, बात कर लीजिए कि फिर कोडी रोड्स का क्या होगा, देन गाइस मे भी हो सकता है रोमन रेंस कोडी रोड्स के अगेंस्ट एक चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखे और रॉक के अगेंस्ट एक चैंपियनशिप, या फिर रोमन रेंस वर्सेस सैमी जेन का मैच हमें बनते हुए दिखे WWE चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चैंबर के पेपर व्यू में, जहां पर रोमन रेंस हार जाए अपनी WWE चैंपियनशिप सैमी जेन के अगेंस्ट। बिकॉज आप सबको पता है सैमी जेन अपने होम क्राउड के सामने कम्पीट करने वाले हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट एलिमिनेशन चैंबर पेपर व्यू में। सो वहां पर WWE उनके लिए एक स्पेशल मोमेंट बना सकती है, इसलिए आप सब कह सकते हो कि अभी भी रॉक वर्सेस रोमन रेंस की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट अभी भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंस ही होने वाला है रेसलमेनिया 39 में। और अगर रेसलमेनिया 39 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस नहीं होता देन ये ड्रीम मैच ड्रीम बनकर ही रह जाएगा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 39 में हमें कौन सा मैच देखने को मिलने वाला है, रॉक वर्सेस रोमन रेंस या फिर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज वीडियो में।